बीएससी पार्ट थर्ड ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले कभी क्लास में डेवलपमेंट ऑफ टाइपकॉट एम्ब्रियो या द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण या विकास इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो के बारे में, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डाल दीजिए टॉपिक। डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है, ये है। अब देखो नाम से पता लग रहा है मोनोकॉट मतलब कि इसके अंदर केवल एक ही कॉटिलेडन्स या एक बीजपत्र का निर्माण होगा, ठीक है, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, ठीक है, ये टॉपिक है अपना। ओके, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, जो एक बीजपत्री भ्रूण होते हैं वो मोनोकोटिलेडन्स प्लांट या एक बीजपत्री पादपों में देखने को मिलता है, ठीक है, और इसके अंदर केवल एक सिंगल बीजपत्र का निर्माण होता है जिसमें दो कोटिलेडन्स नहीं बनते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है फर्स्टली हम उसको समझेंगे। देखिए मैं आपको बेसिकली नॉर्मल बता रही हूँ डायग्राम और पादप में कि हमारे पास जायगोट होता है, ठीक है, क्या है हमारे पास युग्मनज या फिर जायगोट इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या तो युग्मनज बोलेंगे या हम इसको जायगोट बोलते हैं। ये जायगोट जो होता है हमारा डिप्लॉयड होता है, इट मींस ट्रूएम होता है, द्विगुणित होता है, ठीक है। अब इसके अंदर माइटोटिकली डिवीजन होता है, ठीक है, कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिकली डिवीजन हो रहा है। माइटोटिक डिवीजन होने से क्या होता है, हमारे पास दो सेल्स डिवाइड हो जाती है, ठीक है, हमारे पास जो बीज द्वार या बीज बीजाणु द्वार या माइक्रोपाइलोसाइट जो होगी वो होती है हमारी अभागीय कोशिका या बेसल सेल, और जो हमारी निभागीय साइड या फिर हम कहेंगे चैलेंजर साइड जो होती है वो होती है टर्मिनल सेल या अंतस्थ कोशिका, ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट फिर क्या होता है, नेक्स्ट आगे की क्लास डिवीजन में क्या होता है, सेकंड ट्रांसफर्टी डिवीजन होता है, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट ट्रांसफर्टी डिवीजन, ठीक है। अब सेकंड ट्रांसफर्टी डिवीजन होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बेसल सेल एज इट इज इन लार्जेस्ट सेगमेंट साइज में रहेगी, ठीक है, इट मींस बेसल सेल्स के अंदर किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं होगा, वो एज इट इज रहती है। जिसमें डिवीजन होता है वो सेल होती है टर्मिनल सेल ऑनली, ठीक है, तो ये फ्री सेल्स में डिवाइड हो जाती है, बेसल सेल्स एज इट इज है, ठीक है, टर्मिनल सेल्स डिवाइड हो जाती है, ये होगी आपकी बेसल सेल्स, माइक्रोपाइलर साइड में होती है, चैलेंजर साइड में कौन सी होती है, टर्मिनल सेल होती है, टर्मिनल सेल भी डिवाइड हुई है, जो मिडिल सेल्स में क्या हो गई है, डिवाइड, ठीक है, मिडिल सेल्स में क्या हो गई है, ये डिवाइड हो गई है। नेक्स्ट अब क्या होता है, देखो यहाँ पे जो बेसल सेल्स है वो एज इट इज रहेगी इन लार्जेस्ट फॉर्म में, जो मिडिल सेल होती है, ठीक है, बेसल सेल का काम होता है जो एम्ब्रियो है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है, न्यूट्रिशन से मतलब जो पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो भ्रूण को पहुंचाती है अधागीय कोशिका, ठीक है, बीजाणु द्वार के साइड में रहती है, जबकि जो मिडिल सेल है या मध्य कोशिका जो होती है ये क्या करती है, इसका फॉर्मेशन करती है, जो एम्ब्रियो के पार्ट्स होते हैं ऑर्गेन्स जिसको हमने बोला है, जैसे रेडिकल, प्लम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, सस्पेंसर सेल, ठीक है, ये सारे किसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है, मिडिल सेल फॉर्मेशन करती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये किस किसका फॉर्मेशन करती है, ये करती है प्लम्यूल, इट मींस रेटिकल, प्रांकुर, मूलांकुर, हिंदी में बोल रहे हैं इसको, सस्पेंसर सेल का मतलब होता है निलंबक कोशिका, सस्पेंसर सेल, नेक्स्ट हाइपोकोटाइल, कैसे
फॉर्मेशन, ठीक है। इन तीनों का जो इसका फॉर्मेशन जो है वो मिडिल सेल करेगी, ठीक है। अब टर्मिनल सेल क्या करती है, ओनली ऑफ टर्मिनल सेल का क्या वर्क होता है, टर्मिनल सेल जो होती है ये इसमें जो एम्ब्रियो का मेन पार्ट होता है उसका फॉर्मेशन करती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, दोबारा बता रही हूं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है बेसल सेल। मिडिल सेल जो होती है इनके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती है भ्रूण के, और जो टर्मिनल सेल होती है, टर्मिनल सेल का क्या फॉर्मेशन होता है, ये सेल भ्रूण को, ठीक है, हाइपोपोटेंस की तरह एक आवरण प्रोवाइड करवाती है। क्या करवाती है, एक आवरण। आवरण से यहाँ पे मतलब है, आवरण से यहाँ पे मतलब एक बाहर की साइड की ओर एक लेयर बन जाती है, ठीक है। किसकी साइड बन जाती है, बीज पत्र के निचले भाग की साइड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, तो अब इसमें हम इसकी थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे। यहाँ तक ये डायग्राम नहीं बनाएगा कोई भी, ये समझाने के बेस के लिए था, ठीक है। अब इसका हम थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें, विभाजन करती हुई
जाती है। Study embryogeny, used to study
जेली, ऑफ मोनोकोट एज इनिशियल ऑफ मोनोकोट एज इनिशियल ऑफ टिश्यूज आर डिफरेंशिएटेड इन द टिश्यू आर डिफरेंशिएटेड इन द क्वाड्रेट स्टेज, क्वाड्रेट स्टेज बाय इन अदर एंजियोस्पर्म द differentiation occurs after the differentiation occurs after the octant stage, octant stage अब इसमें मैं आपको एक बार न्यूजीला फॉरेस्ट्री की पार्ट्स बता रही हूँ किस टाइप से मोनोकोट एम्ब्रियो फॉर्म होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिखे इसी सीक्वेंस में इसको एल फिर एल डैश एम एन और एन डैश। अब इसमें एल में लिखे एक बीज पत्री के निचले भाग का निर्माण, एक बीज पत्री के निचले भाग का निर्माण करता है। लोअर पार्ट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, लोअर पार्ट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो ठीक है। अब इसको हम डायग्राम देखेंगे।
ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में डायग्राम बनाएंगे। Thank you.